जगह आपको कैसी लगी? जगह बहुत अच्छी थी और उसमें देखे ना वो पॉलिटिशियंस और लीडर, मॉडर्न नहीं थी वो बिल्कुल भी, यानी कि जैसे होता ना जैसे बहुत ही एस्थेटिक सा मॉडर्न, वैसे नहीं, बिल्कुल सादा सा, एक सिंपल सा उन्होंने बनाया हुआ है, वही सारी जो 100 साल पुराना है उसे रेनोवेट नहीं किया गया, कि भाई वाइब है तो खाने की नेचुरल वाइब रखी, मतलब उन्होंने कहा कि टेस्ट जो है ना उसकी वाइब आप लो, देखो नहीं कि क्या है कितना मॉडर्न है, वो भी ओल्ड की तो अलग वाइब होती है। बहुत ज्यादा लोग कह रहे थे कि नहीं आप सही तरह से एक्सप्लोर नहीं करवा रहे हैं, आप सिर्फ स्ट्रीट फूड दिखा रहे हैं, 25-25, 30-30 रुपए वाली चीजें दिखा रहे हैं, समोसे भटूरे वगैरह, लेकिन अब वो रेस्टोरेंट्स की तरफ चले गए, बहुत अब मेहनत जारी है, मजा नहीं होता, थोड़ा सा मतली सी नहीं फील होती कि आपने पहले कॉफी पी ली, कॉफी पीने के बाद ना पेट भर जाता है, क्योंकि एकदम वो मुशी भाई जो है ना बड़े जॉली इंसान है, वो जो है ना चाय के साथ आइसक्रीम और आइसक्रीम के साथ चाय मिक्स कर लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता। एक हम ब्लॉग देख रहे थे उसमें थोड़ी देर पहले चाय पी और ऊपर से आइसक्रीम खा रहे, ये वो जो कपल आया हुआ था ना उसमें से लड़की ने मसाला डोसा ऑर्डर किया था, लड़के ने पूरी डोसा, वो आई थिंक ज्यादा स्पाइसी था, वो उसने ऑर्डर किया था, और वो कपल के साथ भी लग गए हैं, अब पता लगे कपल के घर में मसले हो रहे हो कि तुम लोग खा रहे हो डोसा, पता चल रहा है हमें, नजर आ रहे हैं। हाय वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी और मेरे साथ हैं, और मैं हूं फैसल, और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बात ये है कि मुशी भाई को तो हम भूल ही गए हैं, मतलब इतने दिन हो गए हमने कोई व्लॉग नहीं देखा उनका, तो बहुत सारे जो है कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो है वो मुशी भाई का व्लॉग्स भी देखें, तो मुशी भाई जो है कभी कहीं कुछ खाने जा रहे हैं, कभी कुछ कहीं खाने जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं स्क्रॉल कर रही थी तो एकदम से बड़ा सारा लिखा हुआ था साउथ इंडियन फूड्स, मैंने कहा भाई साउथ इंडियन फूड्स में तो इडली वगैरह काफी सारी चीजें आ जाती है, आई थिंक डोसा या सांबा या आई थिंक वहीं का है, तो आई एम नॉट श्योर, तो अभी देखते हैं कि साउथ इंडियन फूड्स भाई कौन कौन से खा रहे हैं मुशी भाई, क्योंकि साउथ इंडियन फूड्स जो है वो बड़े यूनिक और बड़े मतलब पत्तों पे रखे बड़े मजे से, वो मतलब जो देखने में तो बहुत ज्यादा जो टेस्टी फील हो रहा था, क्योंकि जिंदगी में कभी जाके खाया नहीं है, तो इसलिए कोई ऐसा हमारा एक्सपीरियंस अच्छा, नहीं एक है। और भी बात है, इंडियंस ये भी कहते हैं कि इंडिया में जो है ना फूड की बहुत ज्यादा वैरायटी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, के पाकिस्तान में उतनी ज्यादा वैरायटी नहीं है, नो डाउट इधर भी बहुत सारे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के, लेकिन वहां पे आप ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे जो आपने कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं सुनी हुई होंगी, बिल्कुल पाकिस्तान में इतनी वैरायटी नहीं है, बाकी कहीं भी इतनी वैरायटी नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा वैरायटी है, तो अब देख लेते हैं कि भाई साउथ इंडियन फूड में क्या क्या आता है। रावा डोसा एंड रावा इडली, इंडियन फूड टूर पाकिस्तानी इन विजिटिंग इंडिया, 1, 2, 3। कितना पुराना है ये? 100 साल चलाया है। मुशी मुशी थिंग इज बेटर देन नथिंग, ओए 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 ओए, देखने में तो भाई मुंह में पानी आ रहा है, ओए ओए ओए, लो भाई ओए 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 ओए, मेरा और उसका चोली दामन का साथ है। अभी सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, भाई बेंगलोर के शामों में गुम है MTR मवाली टिफिन सर्विस, जिससे भी पूछा है वेज खाना खाना है उसने ये जगह बताई है, तो भाई बड़ी मशहूर जगह है, बड़े लोगों ने रिकमेंड की है यार, देखने में लेकिन ये ऐसा लग रहा है कोई क्लिनिक है, किसी डॉक्टर का पेशेंट लाइन लगा के बैठे हुए हैं ये देखें यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग वेट कर रहे हैं बेसिकली, तो अंदर जाते हैं देखते हैं क्या, सुनने कोई हॉल शॉल बना हुआ है, कोई कमरों में कोई रूम शूम बनाया हुआ है, अंदर जाके पता लगेगा, बड़ी पुरानी सी बिल्डिंग है, तो आ जाए मेरे साथ। ये जैसा सोचा था वैसा ही है, ये ऑनर की तस्वीर लगी है, वो देखें जिन्होंने स्टार्ट किया था उनकी तस्वीर है वहाँ पे, बड़ा ही रश लगा है भाई, हर तरफ रश ही रश है, तो चले ऊपर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या सीन है, लेकिन बहुत पुराना है, बहुत पुराना, ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें लगी हुई हैं। बड़ा ही सस्ता मेन्यू है, अगर इसमें आप देख सकते हैं तो चले हम ऊपर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या ऑर्डर कर रहे हैं, आ जाए मेरे साथ। बड़ी तंग तंग सी सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ बहुत ही पुरानी पिक्चर्स लगी हुई थी और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज़ आई हुई थी, जिसमें मोस्टली पॉलिटिशियंस थे और कुछ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ भी थे। मैं देखता हूँ अगर कोई बंदा मिलता है यहाँ पे तो उससे थोड़ी सी हिस्ट्री मालूम करते हैं कि क्या है यहाँ पे, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था यहाँ आके, इन्होंने शेप वही रखी हुई है, पुराना सा जो हॉल होता है। हाँ भैया कितना पुराना है ये? 100 साल पुराना है भैया, और यहाँ पे कोई मशहूर कौन है, जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू, भाई तो पैदा हुआ नहीं था, नहीं पंडित नेहरू की भी तस्वीर है, बहुत पुराना है भाई, आइडिया नहीं आइडिया, अच्छा, नाम बोलिए मोशी,
कहाँ बैठे? बैठे बैठे, दो मिनट। अच्छा, वो कह रहा है वेट करो। भाई बहुत ही सारे अवार्ड मिल चुके हैं इस जगह को, आप सोच सकते हैं कितनी फेमस है ये, कितनी ज़्यादा फेमस है ये। देखें कितने सारे अवार्ड हैं, क्या बात, इंडिया के फूड आइकॉन्स, क्या बात। तो यहाँ के एम्बियंस और लुक बिल्कुल भी एक रेस्टोरेंट का मंजर पेश नहीं कर रही थी, एक ऐसा लग रहा था कि पुराना सा घर, एक हवेली है जिसके डिफरेंट रूम्स में इन्होंने एक रेस्टोरेंट ओपन कर दिया। यार बड़ी मुश्किल से बारी आई है, नाम लिखा हुआ था, एकदम चिल्लाया है मुशी मुशी, भागो, मैं क्या हुआ भाई, अरे बैठ जाओ वरना डेढ़ घंटे बाद बारी नहीं आएगी। और जगह कैसी मिली है, मतलब जो मेरा कैमरा मैन है वो मेरे सामने नहीं है, मेरे साथ बैठा हुआ है। तो हाँ, तो व्लॉग जो है वो साथ बैठ के यूँ बनाएगा, आमने सामने कपल बैठा हुआ है। मैंने कहा भाई आमने सामने ज़्यादा रोमांटिक होता है, मैंने कहा हाथ में हाथ डाल के व्लॉग बना, क्वालिटी भी फ्रंट कैमरे से आप देख रहे हैं आ रही है, सही आ रहा है। कोशिश करेंगे अच्छा सा ब्लॉग बनाएं, फिर आपको बताते हैं। तो भाई ये वेज रेस्टोरेंट है और सारी चीज़ें यहाँ वेज हैं, ऑर्डर करने के बाद भी आधा पौना घंटा वेट करना पड़ता है। तो इन्होंने आप देख सकते हैं रूम्स बनाए हुए, वो ओरिजिनल जो घर होगा कभी वही वाले घर बने हुए हैं, वही उस तरह का बना हुआ है, 100 साल में रेनोवेट नहीं हुआ। ये पंखे, ये लाइटें, ये खिड़कियाँ, तो ऐसे ही लग रहा है कि किसी घर के, पुराने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के खा रहे हैं। और जितना रश है, जितना वेटिंग टाइम है, और जो डिशेस यहाँ मिल रही हैं वो भी टाइम के हिसाब से है, सुबह और है, दोपहर को और है, शाम को और है। तो दो जो इस टाइम अवेलेबल है वो 2-3 ऑर्डर किए हैं, टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं। टेबल के सामने जी रघु भाई और उनके गर्लफ्रेंड मौजूद थे, और आइए उनसे पूछते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में और वो यहाँ कब से आ रहे हैं। आई मीन माई पेरेंट्स हैव बीन कम लाइक टेकिंग मी हियर सिंस आई वाज अ किड, आई मीन यूज्ड टू कम टू लालबाग एंड देन यूज्ड टू बी हियर, लाइक आई हैव कम हियर मल्टीपल टाइम्स। तो रघु भाई से पूछा वो क्या रिकमेंड करते हैं हमें यहाँ खाने के लिए। आई वुड से द डोसास आर द बेस्ट, या व्हाट एल्स, आई मीन ऑनेस्टली ऑल ऑफ द आइटम्स ऑन द मेन्यू आर गुड, लाइक इट्स नॉट अ ह्यूज मेन्यू बट व्हाटएवर दे डू गिव यू इट इज वेरी गुड। रघु भाई ने जैसा रिकमेंड किया डोसे का, तो भाई उन्होंने अपने लिए भी बहुत ही मजेदार डोसा मंगवाया, और साथ में हमने ऑर्डर कर दी थी, जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आ रहा तब तक हमने इनकी बड़ी ही स्पेशल कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी। You like it? Yeah, it's good. This one is better. And this one's a bit more spicy. More spicy. Depends on what you like. Okay. वेज रेस्टोरेंट है, टाइम ज्यादा लग रहा था, मैंने कहा पहले कॉफी दे दो चेक करने, एंड में पी लिए तो शुरू में पी लेते। वीडियो का एंगल थोड़ा सा खराब है, जो टेढ़ा मेढ़ा होकर बैठा हूँ तो भाई आए हाय हाय, वैसे कॉफी में ये छाग है ना, नंबर इसी के होते हैं सारे। थोड़ा ट्राई करते हैं, बहुत गर्म है, ट्राई करके बता देते हैं आप। बड़ी कड़क कॉफी है, कड़क चाय सुनी होगी, कड़क कॉफी नहीं सुनी, शुगर बिल्कुल नहीं डाली, वैसे शुगर अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन भाई आदत इतनी पड़ी हुई है कि उसके बगैर मज़ा नहीं आता, कड़वी कड़वी लग रही है। तो कॉफ़ी तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, कड़क है, कलर बहुत अच्छा है, झाग है, और चीनी अपनी मर्जी की डाली, पूरी सब्जी है भाई, छोले सब्जी नहीं है, ओ सॉरी भटूरे सब्जी नहीं है, पूरी सब्जी है यार, इतनी सॉफ्ट पूरी है, ये देखें ऐसे फूली भी है, एट द सेम टाइम क्रिस्पी टाइप भी है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, क्या बात है, मुँह में पानी आ गया, वोए हो यार। चटनी चेक कर सकते हैं, यहाँ की फेमस कोकोनट चटनी पतली वाली और सांभर, ओए 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 यार, ये जो चीज़ है ना, मैंने पूरी के साथ खा के देखूंगा कैसी लगती है, पहले थोड़ा सा सांभर और सब्जी वैसे ही खा के देखते हैं। नहीं यार मज़ेदार है, कोकोनट चटनी के साथ पूरी और थोड़ा सा सांभर, ओए ये देखे चेक करो यार, ये देखो क्या लाइव बन रहा है भाई, yeah.
नहीं यार, भटूरे के साथ बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। भटूरे क्या कहते हैं, छोले भटूरे कहते हैं यार, और इसके साथ कम्प्लीटली डिफरेंट टेस्ट। मुझे लग रहा है पूरी को थोड़ा मोटा कर दो भटूरा बन जाता है। नहीं भाई, ये सीन ही अलग है। दोबारा खा के देखता हूँ। कोकोनट चटनी, बहुत जबरदस्त। हैव यू ट्राइड दिस वन? हाँ, गुड वन। मुझे यहाँ और कस्टमर्स बैठे हैं, उन्होंने भी कहा भाई ये बहुत अच्छी चीज है, मजा आ गया। तो जब भी आप ये एम टी आ रहे हैं, ये लाजमी ट्राई करें। कॉम्बिनेशन बड़े ही भला किस्म का कॉम्बिनेशन। लो भाई, मंगवा लिया है रवा इडली। इडली हमने पहले भी खाई थी, ये कोई अलग ही इडली है, रवा इडली। यार इसमें सबसे फनी चीज़ ये है, मैंने कहा ये साथ क्या दिया हुआ है, ये कोई चुन्नू सी प्याली आप मेरे हाथ में लेके कैसी लग रही है। तो यार कहते ये घी है, देसी घी है। चलो दे तो रहे हैं ना, मुझे विचार है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये हम थोड़ा सा डाल के भी देखेंगे। पहली दफ़ा खाने लगा हूँ रवा इडली, पता नहीं इसके अंदर क्या होता है, क्या सिस्टम है। साथ हुई द वन एंड ओनली कोकोनट चटनी और सांभर या सब्जी मिक्स, सब कुछ मिक्स है। तो चले हम इससे पहले अंदर देखते हैं तोड़ के। ओए 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 ओए, वो तो अंदर लेवल है भाई। जितनी सादा ये ऊपर से लग रही थी उतनी सादा अंदर से है नहीं ये। ओए ओए वाह, देखने में तो भाई मुंह में पानी आ रहा है। थोड़ा सा इसमें ये चुन्नू सा ऑयल डालते हैं, ये थोड़ा सा इसमें हम ये सब्जी डालते हैं। ओए ओए ओए, हम डालेंगे ये ये। वो भाई रवा इडली प्लस ये प्लस कोकोनट, यार इतने ज्यादा टेस्ट एक ही वक्त में। शायद मैंने सारा कट्टा खाया इस वजह से। यार इसमें काजू भी था, पता नहीं काजू है क्या है, काजू लग रहा था। तो भाई एक और दफा खाता हूँ फिर आपको सही रिव्यू देता हूँ। कोकोनट चटनी, सब्जी, जब सब्जी का जो वो पानी है ना वो जज्ब कर रहा है, सोकिंग पावर भी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही लाइट। भाई ये बहुत बिजी है, ये बीच में आ जाते हैं लोग क्योंकि बिजी बहुत है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही लाइट। अगर आपको स्नैक्स के तौर पे भी खानी है, डिनर के तौर पे भी खानी है तो आप ये खा सकते हैं। तो इडली हमने खाई थी, ये रवा इडली है, थोड़ी सी इसमें कोटिंग शोटिंग चीज़ें ज़्यादा हैं। तो भाई जब भी आप एम टी आर खाएँ, हाईली रिकमेंड, हाईली। वाह, जब जब भी खा रहा हूँ टेस्ट ऐसा ही आ रहा है। ये रवा डोसा है, रवा मैंने उससे पूछा क्या होता है, रवा इडली भी खाई है, रवा डोसा जो है सूजी का बेसिकली। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ ये खाने के लिए। इसकी शेप भी डिफरेंट सी है, वो रोल में आता है अक्सर, ये देखें इस शेप में आया हुआ है। क्या बात है, बहुत आता है। वो देखते हैं इसके अंदर क्या भरा हुआ है। ओए ओए ओए, जैसे वो आलू के पराठे और नान नहीं होते इस तरह, देखें आलू, ये आलू चिपका हुआ है और ये हमने एक आलू रखा अंदर। ये मसाला, इसको मेरे ख्याल है इसको मसाला रवा डोसा हुआ है, जो आलू वाला होता है नॉर्मली मसाला होता है। तो इसके साथ भाई कोकोनट चटनी है, ये डालेंगे। आए हाय हाय, मुँह में पानी आ गया यार। ओए ये थिक वाली है, चेक किया आपने? तो पहले खाली कोकोनट चटनी से खाते हैं और फिर इसको इसके जो दूसरे सॉस है उनके साथ खाएँ। ये नेक्स्ट लेवल डोसा है रवा भाई। इसकी जो ये जो क्रिस्प है ये बहुत ही अलग है। ये देखे ये वाला बहुत ही अलग सी है। और मसाला यार इनका एमटीआर वालों का, मैंने बहुत जगह से डोसा खाया है लेकिन रवा मसाला डोसा, रवा मसाला डोसा भाई साहब ने कंफर्म कर दिया।
क्योंकि आलू वाला जो डोसा है तो मसाला डोसा होता है, तो भाई कमाल किस्म की कोकोनट चटनी। और दूसरा जो हम खाएंगे सांभर के साथ, सांभर है माफ कीजिए अगर वो गलत बोल रहा हूँ, तो ये ओए 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 चेक करें यार क्या कलर बन गया। बहुत ही यूनिक अलग सा टेस्ट। अब जितने डोसे मैंने साउथ इंडिया में खा लिए हैं थोड़ा बहुत भाई मैं भी रिव्यू दे सकता हूँ। पहले मैं कहता था पहली दफा खा रहा हूँ डोसे में आपको अच्छा रिव्यू दे सकता हूँ। 10 out of 10 यार ये वाले डोसे का टू गुड। अच्छा ये कोकोनट की चटनियाँ भी अलग अलग हैं, तो एक उन्होंने ये दी है तो काफ़ी वाइट सी कोकोनट चटनी है देख सकते हैं आप, और ये थोड़ी पतली भी है। ओए होए होए ये देखो ओए होए 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 खाते हैं। इसका जायका बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ये क्रीमी सी लग रही है मुझे, वैसे खा के देखते हैं थोड़ी सी, पता नहीं क्या डाला हुआ है भाई। टोटली डिफरेंट जब भी MTR आए तो दोनों चटनी ऑर्डर करनी है आप, क्या बात। लो भाई जब वो डोसा खाया तो कंपैरिजन करने के लिए जरा सादा डोसा भी मंगवा दिया, तो ये देख सकते हैं सादा डोसा, कई जगह ये रोल में देते हैं मैंने बताया है, कई जगह ये तिकोनी सी शेप में है, तो ये भी मसाला डोसा है, इसके अंदर भी जैसा मैंने बताया आपको ये देखें आलू भरा हुआ है। ओए 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 चेक करें यार, ये अंदर इनके सॉस लगाए हुए, ये भाई इनका मसाला डोसा मतलब आलू वाला डोसा, तो ये बड़ा ना थिन नहीं है, ये बड़ा मोटा सा इसकी देखें आप लेयर है, ये देखें काफ़ी मोटा सा है, सॉफ्ट भी है, कई जगह बहुत क्रिस्पी होता है, मेरे पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा। तो इसको हम थोड़ा सा मसाला लगाते हैं क्योंकि आलू है बेसिकली, और चटनियाँ 2-3 किस्म की हैं, तो हम क्या करेंगे कि पहले हम ये वाली कोकोनट चटनी यूज करेंगे। हाय 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 साथ में फ्रेश सांभर, कलर चेक करें आप इसको खाते हैं। कमाल डोसे मैंने काफी खा लिए हैं, थोड़ा सा अलग लग रहा है, ऑथेंटिक ट्रेडिशनल टेस्ट आ रहा है, ये उस तरह का बहुत ज्यादा क्रिस्पी नहीं है, बहुत ज्यादा थिन नहीं है, इनकी क्रस्ट आप देख सकते हैं काफ़ी थिक सी है, और कोकोनट चटनी के साथ तो आपको पता ही है मेरा और उसका आप चोली दामन का साथ है। तो अभी हमने ये वाली ट्राई की थी, अब हम ये क्रीमी कोकोनट चटनी ट्राई करते हैं और इसके साथ फिर आपको बताते हैं कैसा टेस्ट लग रहा है। नो डाउट यार भाई मैं इन दोनों में झगड़ा नहीं करवाना चाहता, इसका अपना टेस्ट है। खाली डोसे को सांभर के साथ खाओ उसका अपना टेस्ट है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कहूँ इसके साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इसके साथ या खाली सांभर के साथ। सॉरी भाई मैं अपनी कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाई आज हमने ये 4-5 चीज़ें ट्राई की, जो भी खाया MTR से बहुत ही बढ़िया लगा, तो हम खाते हैं, इतनी देर पे आप हमें लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और जो मोहब्बत दे रहे हैं वो तो शेयर कर दें। पहली दफ़ा ये चीज़ें ट्राई हो रही हैं और जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वो तो पहला एक्सपीरियंस है मेरा, बहुत सी चीज़ें पहली दफ़ा खा रहा हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे ही देखते रहें, अभी मैं ये खा रहा हूँ। इधर ही हो तो भाई ये चाय मंगवाई है एंड में, कॉफ़ी तो यार थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, कॉफ़ी का एक अपना मूड होता है, खाने के बाद चाय बहुत फिट चाय लग रही है। हाय हाय टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं, बोला स्पेशल चाय है भाई, ऊपर तक बहुत अच्छी थी, ये तो बहुत फिट है, चीनी थोड़ी सी डाली है मैंने ऑलरेडी, तो खाली करवा रहे हैं, जल्दी बंद कर देते हैं,
यहाँ पता नहीं कह रहे हैं चेंज करना है, कोई पार्टी है क्या है, समझ नहीं आ रही यहाँ पे क्या किस टाइप की पार्टी होगी। तो वाह भैया थोड़ी भूख मारी, मजा आ गया यार भाई, बड़ा ही डिफरेंट तरह का था, बड़ा ही मजा आया। आई होप आपको यहाँ का एनवायरनमेंट वाइब तो मैंने ही फील की है, बहुत एंजॉय की होगी। तो अब हम बाहर आ रहे हैं जी। तो दोस्तों उम्मीद है आपने वीडियो बहुत एंजॉय की होगी, खाना बड़ा मज़ा आया, बड़ा ट्रेडिशनल साउथ इंडियन खाना, जो एनवायरनमेंट था जो वाइब थी उसका अपना मज़ा था। तो बड़ी मुश्किल से वीडियो अंदर बनी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे ही प्यार करते रहें, मोहब्बत करते रहें, मोशी भाई को याद करते रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, अपना और आसपास वालों का ख्याल रखें। साइनिंग ऑफ जी सर। सारा फूड ट्राई किए जा रहे हैं पहले स्ट्रीट फूड से अब चले गए। अच्छा बहुत ज्यादा लोग कह रहे थे कि नहीं आप सही तरह से एक्सप्लोर नहीं करवा रहे हैं, आप सिर्फ स्ट्रीट फूड दिखा रहे हैं, 25-25, 30-30 रुपए वाली चीजें दिखा रहे हैं, समोसे भटूरे वगैरह, लेकिन अब वो रेस्टोरेंट्स की तरफ चले गए। बहुत अब मेहनत जारी है यार, मतलब इस तरह। और दूसरी एक बात और है कि साउथ इंडियन जो फूड है ना, जिस तरह रवा डोसा और इडली, रवा डोसा, फिर वो मसाला डोसा, तो मतलब दिल कर रहा है यार कि मतलब ये सारी चीजें जो है जाके। अच्छा लेकिन इतना फर्क नहीं है, जो पाकिस्तान में जो आलू का पराठा होता है ना, वो आटा होता है और अंदर आलू होता है, वही पेस्ट सेम होता है, लेकिन जो रवा डोसा है वो बस सूजी की उनकी वो है कवरिंग है और अंदर आलू का वही पेस्ट है। और सांबर जो है, नाम बड़े यूनिक है वो सब्जी को, मिक्स सब्जी को हम वो सांबर आई थी कहते हैं, और वो थोड़ी सी जो है वो जरा यानी कि थिक नहीं है ज्यादा, काफी पानी पानी वाली है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में है, तो सांबर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सांबर ये हर डिश के साथ परोसते हैं, हर डिश के साथ मतलब देते हैं जैसे कि रवा डोसा के साथ भी दिया हुआ था, वो इडली के साथ भी आई थिंक दिया हुआ था उन्होंने, और जो लास्ट में जो था मसाला डोसा उसके साथ भी दिया हुआ था। लेकिन ना मुझे था कि डोसा एक ट्राई कर लिया, अब कुछ और ट्राई करते हैं, एक वो आपने वो लेकिन उन्होंने जो है ना वो डोसा के ही तीन अलग अलग जो है ना वो नहीं, एक नहीं, रवा दो डोसा था, एक इडली थी और एक मसाला वाला ट्राई कर दिया और एक रवा वाला ट्राई कर दिया, ये दो ट्राई। और फिर वो एंड पे जो है ना वो कंफ्यूज ये थे कि अब मैं किसको कौन सी रेटिंग दूं या किसको किससे बढ़ाऊं, तो कहता है यार मतलब तीनों ही ठीक है, तीनों ही अच्छे हैं, तीनों ही टेस्टी हैं। अच्छा वो जो कपल आया हुआ था ना, उसमें से लड़की ने मसाला डोसा ऑर्डर किया था, लड़के ने पूरी डोसा, वो आई थिंक ज्यादा स्पाइसी था, वो उसने ऑर्डर किया था, और वो कपल के साथ भी लग गए हैं। अब पता लगे कपल के घर में मसले हो रहे हैं कि तुम लोग खा रहे हो डोसा, पता चल रहा है हमें, नजर आ रहा है हमें। तो ओवरऑल जो व्लॉग है वो काफी एंजॉय था, हमने किया, मुझे पसंद है पर्सनली, तो आप जाके इनको, और ज्यादातर बातें ज्यादा खाने की हो रही होती हैं। अच्छा ये क्या सीन है, इन्होंने कॉफी पहले पी है और लास्ट में चाय पी है? हाँ ये भी थोड़ी सी टेंशन वाली बात है कि पहले कॉफी और एंडिंग चाय और सेंटर के अंदर जो है ना डोसे शोसे, इडली नहीं होता, थोड़ा सा मतली सी नहीं फील होती कि आपने पहले कॉफी पी ली, कॉफी पीने के बाद ना पेट भर जाता है क्योंकि एकदम। वो मुशी भाई जो है ना बड़े जॉली इंसान है, वो जो है ना चाय के साथ आइसक्रीम और आइसक्रीम के साथ चाय मिक्स कर लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता। एक हम ब्लॉग देख रहे थे उसमें थोड़ी देर पहले चाय पी और ऊपर से आइसक्रीम खा रहे हैं, ये बस, फिर आइसक्रीम खाने के बाद थोड़ी देर बाद फिर कॉफी पी रहे हैं, तो वो मतलब ठंडा गरम, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा वो करते हैं टेस्ट, थोड़ा थोड़ा, हाँ वो ज्यादा नहीं खाते, वो थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, लेकिन जो है वो साथ साथ बातें भी बता रहे होते हैं, इंजॉय कराते हैं। अच्छा, वो जगह आपको कैसी लगी? जगह बहुत अच्छी थी, और उसमें देखे ना वो पॉलिटिशियन और लीडर, मॉडर्न नहीं थी वो बिल्कुल भी, यानी कि जैसे होता है ना जैसे बहुत ही एस्थेटिक सा मॉडर्न, वैसे नहीं, बिल्कुल सादा सा, एक सिंपल सा उन्होंने बनाया हुआ है, वही सारी जो 100 साल पुराना है उसे रेनोवेट नहीं किया गया, कि भाई वाइब है तो खाने की नेचुरल वाइब रखी, मतलब उन्होंने कहा है कि टेस्ट जो है ना उसकी वाइब आप लो, देखो नहीं कि क्या है, कितना मॉडर्न है, वो भी ओल्ड की तो अलग वाइब होती है, आप जाएंगे यहाँ पे ओल्ड अनारकली या फिर आप ओल्ड लाहौर चले जाएं, वहाँ पे सारा दिल्ली गेट के पास जो हवेली रेस्टोरेंट के पास सारे वो सारे बड़े ओल्ड वाइब इस तरह की होती है, तो उसकी अपनी वाइब होती है, लेविश की अपनी वाइब होती है। भाई मुझे तो बहुत मजे का इनका व्लॉग लगा, आप बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है, और साउथ इंडियन फूड में देखें रवा डोसा होता है, इडली होती है, सांबर होता है, इसके अलावा क्या क्या साउथ इंडियन फूड्स में और कौन कौन सी डिशेज हैं वो भी हमें रिकमेंड करें हम जो है, और अगर साउथ इंडियन फूड का कोई आपके पास व्लॉग या कोई वीडियो पड़ी है
तो वो भी आप हमें जो है वो रिकमेंड करें, सजेस्ट करें। अच्छा अब साउथ इंडियन फूड या नॉर्थ इंडियन फूड, ये हमें बताया ऑडियंस के कौन से ज्यादा पसंद है, क्योंकि भाई मैंने तो ज्यादातर साउथ इंडियन फूड देखा, लेकिन बैठ के आराम से हम नॉर्थ इंडियन फूड भी देखेंगे। तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।